जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप इंडियन आर्मी में पैरा कमांडो कैसे बन सकते हैं। आर्मी की जो स्पेशल फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं पैरा कमांडो। तो आज हम आपको दोस्तों पैरा कमांडो बनने के तीन तरीके बताएंगे। सबसे पहला तरीका होगा दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी में ऑलरेडी हैं, मतलब इंडियन आर्मी के बहुत सारे रेजिमेंट हैं, आप किसी भी रेजिमेंट में ऑलरेडी सर्विस कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, तो आप पैरा कमांडो कैसे बन सकते हैं। नंबर दो, आप डायरेक्ट एआरओ से कैसे जा सकते हैं। और नंबर तीन, एआरओ से आपके लिए दूसरा रेजिमेंट मिल गया उसके बाद में आप पैरा में कैसे जा सकते हैं। तो तीन तरीके बताएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि अगर आप इंडियन आर्मी के किसी भी रेजिमेंट में सर्विस कर रहे हैं और आपकी जो सर्विस है वो अंडर 5 ईयर है, मतलब आपकी जो टोटल सर्विस है ट्रेनिंग को लगा के 5 साल से कम है, तो आप पैरा स्पेशल फोर्सेस में वॉलंटियर फॉर्म आते हैं, हर साल आपकी यूनिट्स में भेजे जाते हैं, वॉलंटियर वो फॉर्म भर के पैरा में आ सकते हैं। उसके बाद में आपका दोस्तों 90 डेज का एक प्रोवेशन टेस्ट होता है जिसमें आपके लिए काफ़ी सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो अगर आप उन टेस्ट से अच्छे से पास हो जाते हैं, उन टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, तो आपको पैरा एसएफ में यानी कि स्पेशल फोर्सेज में आपके लिए जगह मिल जाती है। नंबर वन हो गया। नंबर टू और नंबर थ्री मैं आपके लिए बताऊंगा इस नोटिस से। आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉर पैरा एंड पैरा एसएफ, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें, नंबर दो जिसको मैंने बताया था कि अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो चुके हैं तो मैंने आपको बता दिया। नंबर दो है कि आप भर्ती हो चुके हैं और आपके लिए कोई और रेजिमेंट दे दिया गया है, लेकिन आपने उस रेजिमेंट में अभी तक रिपोर्ट नहीं की है। कहने का मतलब यह है कि आप एआरओ में ही हैं और आपसे बोल दिया कि आप राजपूत रेजिमेंट, ग्रेनेडियर रेजिमेंट, किसी भी रेजिमेंट में चले जाइए, लेकिन आप सोच रहे हैं मैं उस रेजिमेंट में जाने से पहले सीधे पैरा में ही जाऊं, तो उसका भी एक रास्ता होता है, वो दोस्तों अभी आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट इन टू पैरा रेजिमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए मैं मेन पॉइंट पढ़ के बताऊंगा। सक्सेसफुल एंड, जैसे आपने किसी भी एआरओ में भर्ती देखी, भर्ती देखने के बाद में दोस्तों आपके जो है वो 100% मार्क्स फिजिकल में होने चाहिए, मतलब जो फिजिकल है उसमें आपने 100 नंबर का जीडी का फिजिकल होता है और आपने 100 नंबर लिए हैं, मतलब 100% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप पैरा में जो है वो जा सकते हैं। तो पूरी डिटेल बताते हैं। सक्सेसफुल एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स दोज अटेंडिंग 100% मार्क्स इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड 50% मार्क्स इन रिटन टेस्ट एंड आर इन मेरिट विल बी आस्क्ड। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर आपने फिजिकल में 100% मार्क्स लिए हैं, रिटन टेस्ट में आपके 50% मार्क्स हैं और आप मेरिट में आ चुके हैं, मतलब आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो दोस्तों आपके लिए क्या है, एक रेजिमेंट जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। फिर अगर आप चाहते हैं कि हम इंडियन आर्मी में उस रेजिमेंट में ना जाके पैरा रेजिमेंट में जाएँ, तो आपके लिए क्या है, एक ऑप्शन होता है एआरओ में ही, जिससे आप पैरा रेजिमेंट में आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं जो कि यह है दोस्तों, आप ये बिल्कुल चिंता ना करें कि अगर आप इन टेस्ट में फेल हो गए तो आपको आर्मी से निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप क्या होगा, अगर आप इन टेस्ट में क्लियर नहीं कर पाए तो आप अपने पेरेंट रेजिमेंट जिसमें भी आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा, आपकी नौकरी आपसे नहीं छीनी जाएगी, ठीक है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको टेस्ट देना होगा। 5 किलोमीटर रनिंग आपकी फिर से एआरओ में होगी जो कि आपको 20 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। आपके लिए दोस्तों 14 चिनअप्स लगाने होंगे जो कि नॉर्मली आर्मी में 10 लेते हैं, लेकिन आपको पैरा में आना है तो आपको 14 चिनअप लगाने होंगे। पुशअप्स 1 मिनट में 40, सिटअप्स 2 मिनट में 80 और 5 मीटर शटल 17 टाइम्स इन 1 मिनट, ठीक है। अगर आप ये सभी टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको आपके पेरेंट रेजिमेंट में ना भेज कर आपके लिए पैरा रेजिमेंट में भेज दिया जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिस्पैच टू PRTC यानी कि पैरासूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर, ओके। तो नंबर दूसरा तरीका ये हो गया। और नंबर तीसरा तरीका दोस्तों होता है किस्मत का। अगर आपने 100% मार्क्स इन फिजिकल और 50% मार्क्स इन मेरिट में लिए हुए हैं, रिटन टेस्ट में लिए हुए हैं, तो आपको ऑलरेडी भी डायरेक्ट पैरा रेजिमेंट भी अलॉट हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के लिए डायरेक्ट पैरा रेजिमेंट भी अलॉट होता है। ये कहने की बातें हैं कि डायरेक्ट पैरा रेजिमेंट में कोई नहीं जाता है, मैं खुद पैरा रेजिमेंट में हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन मैंने होते हुए देखा है। एक्चुअली मैं दूसरे रेजिमेंट से आया था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे रिक्रूट्स हैं जो वो डायरेक्ट भी आते हैं, ठीक है। तो नंबर तीन तरीके बता दिए। अगर आप आर्मी में ऑलरेडी भर्ती हैं,
आपकी सर्विस 5 साल से कम है तो आप वॉलंटियर होकर पैरा रेजिमेंट में आ सकते हैं। उसके बाद में आपको डायरेक्ट अलॉट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट अलॉट नहीं किया तो आप ये जो मैंने टेस्ट नीचे बताए हैं इन टेस्ट को क्लियर करके आप पैरा रेजिमेंट में आ सकते हैं। तो दोस्तों फिर भी अगर आपके लिए मैंने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, अगर आप इस वीडियो में इस प्रोसीजर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो प्रोसीजर है, ये SOP मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो कि जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।